कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद नहीं, विश्वास है मुझे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैं नया नया वीडियो लाता रहता हूं और आपको थ्योरी से रिलेटेड बात बताता रहता हूं, आज एक प्रमुख विषय पे चर्चा कर रहा हूं, जो प्रमुख विषय के रूप में है। देखो, यहां मैंने हेडिंग दे दिया, टाइम मैनेजमेंट फॉर नीट। नीट की तैयारी आप करते हैं तो कैसे टाइम मैनेज कर पाएंगे, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आज बताने जा रहा हूँ आपको। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट करना है आपको सेल्फ स्टडी के लिए, न कि टीचर द्वारा पढ़ाए गए स्टडी के लिए करना है। सेल्फ स्टडी की बात करनी है यहाँ पे, क्लियर हो रहे हो? तो सेल्फ स्टडी करने के लिए सबसे पहली बात है कि कितने आवर हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो देखो, ऐसे तो कम से कम 9 से 10 घंटे पढ़ें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा टाइम कम बताया हूँ। उतना में भी आप कवर करके बहुत अच्छा आप पोजीशन ला सकते हो नीट में। मैंने केवल 7 आवर के लिए, देखो यहाँ पे लिख दिया है, 7 आवर सेल्फ स्टडी के लिए, फाउंडेशन और फ्रेशर दोनों के लिए। इसी तरह से टारगेट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी 7 आवर सेल्फ स्टडी का ही बात करा है। यदि आप सेल्फ स्टडी 7 आवर घर पे कर लेते हो तो मैं चैलेंज करता हूँ कि ईश्वर भी तुम्हें रोकना चाहेगा तो वो भी नहीं रोक पाएगा, और एक दिन तुम सफलता का परचम जरूर लहरा दोगे। ठीक है, तो देखो कैसे मैनेज करें उसको, एक शेड्यूल के बेसिस पे मैंने बहुत ढंग से अरेंज करा है। आप लोग अपने हिसाब से अरेंज कर लोगे, बट अकॉर्डिंग टू मी इसको थोड़ा समझने का कोशिश करो। जैसे आप 6 AM में जागते हो और 11 PM में सोते हो, ओके, 1 मिनट। हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि देखो, आप 6 AM में जागते हो, 11 PM में सोते हो, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, आप चाहो तो 11 को आगे बढ़ा सकते हो, 12 PM तक जा सकते हो, 1 AM तक जा सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ओके। बट मैं एकदम रिलैक्स मूड में आपको बताया कि जिससे कि आपको कुछ भी तकलीफ ना हो। जैसे देखो, 6 AM में जागते हो तो पहले मैं टारगेट वाले की भी बात कर लेता हूँ कि आप उस जाग करके फ्रेश हो रहिए। फ्रेश में आपको सैनिटेशन में भी जाना है, बात भी करना है, और साथ साथ अपनी सुविधा अनुसार 5 to 10 मिनट मेडिटेशन जरूर कीजिए। मेडिटेशन में क्या है, जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे आप जहाँ रह रहे हो वहाँ बल्ब जल रहा है, 5 मिनट तक लगातार बल्ब को देखो, आंख बंद करके देखना, यही मेडिटेशन हो जाता है। आपको अच्छे पापा मम्मी लग रहे हैं, अब पापा मम्मी को याद करते हुए 5-10 मिनट तक लगातार उनको देख लो, मेडिटेशन हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद 1 घंटा बीत जाएगा आपका, उसके बाद 7 to 8 में चलोगे तो अब आपका स्टडी स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, यहाँ 7 to 8 में रिवीजन कर लेना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू, बॉटनी या तो जूलॉजी सब्जेक्ट का, या तो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस सब्जेक्ट भी इंक्लूड कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ बॉटनी या जूलॉजी के लिए, ओके। अब देखो, आप जनरली क्या करते हो, यहाँ 1 घंटा बीत जाने के बाद 8 o'clock से आपका कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने 8 o'clock से लेकर के आपका कोचिंग रहता है 1 o'clock तक, ओके, 8 AM से लेकर के 1 PM तक। तो वो तो कोचिंग में स्टडी होता है, उस स्टडी को स्टडी मत मानो तुम, केवल उसमें तो क्या होता है कि आप 30% ही गेन कर पाते हो, क्योंकि टीचर जो भी बताता है आपको वो स्वाभाविक है, उसका 30% गेन कर पाओगे, रिविजन करोगे तभी जाकर करके वो फिर फर्दर कन्वर्ट होगा। ये भी बताएंगे कितना टाइम से रिविजन करना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा इस सिस्टमेटिक टाइम टेबल के अरेंजमेंट को देख लो, तो इतना कोचिंग को में जो टाइम बिताया उसको छोड़ दो, उसके बाद चलिए। आप घर पहुंचते होगे 1:30 तक, तो 1:30 तक लंच कर लिए, और लंच करने के बाद, मतलब कि 1 से 2 के बीच में जो 1 आवर आता है उसमें लंच का भी कर लो, उसके साथ साथ हाफ आवर स्लीप भी कर लो,
फ्रेश हो जाओगे, दिन में ज्यादा नहीं सोना चाहिए, 10-15 मिनट ही सोना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए हाफ आवर दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा दिन में सोना। ओके, अब इसके बाद देखोगे तो एक घंटा यहाँ भी बीत जाएगा, उसके बाद 2-3 रिवीजन करना है केमिस्ट्री सब्जेक्ट को या अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा, जो टॉपिक के आपने पढ़ा है कोचिंग में उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा, या तो पिछले क्लास में जो बताया गया उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, या मान लिया कि उससे भी नहीं हो रहा है तो पिछला टॉपिक जो खत्म हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लेना है। उसके बाद एक घंटा पर्दर बीतेगी तो 3 और 4 o'clock में फिजिक्स का थ्योरी का स्टडी करेंगे जो कि कोचिंग में बताया गया है आपको। ओके, उसके बाद उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको बना लेना है 4-5 hours में, यहाँ भी एक घंटा बीत जाएगा, एक एक घंटे का शेड्यूल मैंने बना रखा है। उसके बाद आपको एंजॉय करने का भी चांस दिया मैंने कि 5-6 में एक घंटे के लिए आप एंजॉय कर सकते हो, या तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, यदि आप थोड़ा सा वीक समझ रहे हो कि कोई टॉपिक हो गया तो इस पे एंजॉय को हटा कर आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन मेरी बात मानोगे तो एंजॉय जरूर करो, कम से कम एक घंटे एंजॉय जरूर होना चाहिए। उसके बाद देखो ब्रेक 6-7 भी हमने आपको ब्रेकफास्ट भी का टाइम भी दे दिया और एंजॉय का भी टाइम दे दिया, इसीलिए 5-6 में एंजॉय के साथ साथ स्टडी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस बता दिया। ओके, फिर 7-8 hours में चलोगे तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का स्टडी करना है जो कि कोचिंग में पढ़ाया गया, उसको जरूर स्टडी कर लेना है आपको थ्योरी का। ओके, या तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल जो बनाओगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे उससे संबंधित थ्योरी का स्टडी कर लेना है, उसके बाद 8-9 में केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का जरूर बनाया करो, जो केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री में होती है उसको जरूर बनाया करो जैसे फिजिक्स में बनाते हो। यदि मान लो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाने का अभी चांस नहीं बन रहा है, वैसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है, तो हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर देंगे इस टाइम में, मतलब टाइम मैनेज कर लेना है आपको, ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया था कि केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाना है और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का चांस नहीं बन रहा है तो इंजॉय कर लिए, वैसा नहीं करना है। यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट को उपयोग कर लो, जनरली फिजिक्स में तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत आती होगी तो उसको टाइम मैनेज करो यहाँ पे आकर करके। उसके बाद देखो 9-10 में बायोलॉजी थ्योरी का स्टडी फर्दर कर लो, 3 दिन बॉटनी करना, 4 दिन जूलॉजी करना, या 4 दिन बॉटनी करना, 3 दिन जूलॉजी करना, अल्टरनेट कर लेना है तो बड़ी आसानी से बायोलॉजी का थ्योरी भी कवर हो जाएगा। और उसके बाद 10-11 में डिनर कीजिए, फिर जितना भी आपने थ्योरी पढ़ा है ना उसको रिकॉल कीजिए, आंख बंद करके मेरी तरह का आंख बंद करो और देखना शुरू करो कि मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा तो फोटोसिंथेसिस में कहाँ से डिफिनीशन दिया गया, कैसे कैसे, फिर साइंटिस्ट के बारे में देखा, फिर रिसर्च के बारे में देखा, उसके बाद देखा मैंने भी मतलब लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पर, इस तरह से सोचना शुरू कर दो, पूरा थ्योरी को नहीं सोचना, सिस्टमेटिक अरेंज कर लेना है कि मैंने पढ़ा था तो क्या क्या पढ़ा था, वो अरेंज कर लेना है रिकॉल के कंडीशन में। तो आधा घंटा में मैं समझता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी ज्योलॉजी जो भी आप कोचिंग में स्टडी करते हो उसका रिकॉल हो जाएगा आपको, क्योंकि स्टडी आपने कर लिया है। लेकिन इसके अलावे भी आपको ध्यान में रखना है कि और पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है तो 11 को आप 12 PM 1 AM तक ले जा सकते हो, जिसमें क्या होगा कि आपका स्लीपिंग का पीरियड मैंने 7 hours के लिए दिया है, स्लीपिंग का पीरियड 7 hours के लिए दिया है, तो 7 hours को 6 hours में घटा सकते हो, 5 hours में घटा सकते हो, वो तुम्हारे स्टैमिना पे डिपेंड करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से रिवीजन करोगे ना तो टोटल टॉपिक पर डे कवर होगा, और पढ़ने का तरीका होता है कि पर डे कम से कम इस सब्जेक्ट को मैं जरूर टच कर लूँ, रिकॉल कर लूँ। ओके, अब बात रही कि कितना टाइम्स रिवीजन करना चाहिए, तो रिवीजन के लिए बता दूँ कि फर्स्ट टाइम जब रिवीजन करते हो जैसे टीचर ने कोचिंग में पढ़ाया तो उसके 24 से 48 घंटे के अंदर पहला टाइम में रिवीजन हो जाना चाहिए। यदि उतना में कर लेते हो तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ जाती है, मैंने बताया था कि 30% ही टीचर आपको दिया है, वो 50% तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसको यदि 10-15 दिन के बाद 10 से 15 दिन के बीच में दोबारा रिवाइज कर लेते हो तो वो फिर 50 से 70% में चला जाता है। लेकिन तिवारा यदि करते हो
और ब्रेन ज्यादा शार्प है तो वो करीब करीब 80-90% 100% कभी नहीं पहुंचता है, वो तो इस वर्ष से भी नहीं पहुंचेगा, हम लोग की क्या औकात है ना। लेकिन यदि 80-90% पहुंच जाता है तो आपको नीट में कौन रोकेगा, है ना, वो नीट तुम्हारी मुट्ठी में अपने आप समाहित हो जाएगा, आपको उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो चलो टारगेट के बच्चे के लिए मैंने बोल दिया, लेकिन एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप जितना से ज्यादा रिविजन करो, यदि आप 3 times क्या कोशिश करो कि नीट का एग्जामिनेशन आते आते हम 10 times रिविजन प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक को कर ही लें, ओके, ऐसे मिनिमम 3 maximum 10 भी कर, 10 तक पहुंचना है आपको, और बीच में जहां तक भी हो जाए अति उत्तम, ओके। इसी तरह से देखो फाउंडेशन और प्रेशर के लिए बता रहा हूँ, कुछ बातें तो इसी तरह से टारगेट की तरह है, जैसे कि आपको 6-7 में फ्रेश होना है, मेडिटेशन करना है 5-10 minutes के लिए, 7-8 में रिविजन करना है बॉटनी या तो जूलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा, 8-9 में भी रिविजन ही करना है आपको केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा ही, जो थ्योरी पढ़े हो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिविजन कर लो, है ना। 9-10 में ब्रेकफास्ट कर लो, इन्जॉय कर लो, फाउंडेशन वाले बच्चे फ्रेशर वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, 11-12 वाले आपको इन्जॉय का टाइम 1 hour ज़्यादा दे रहा हूँ, ओके। 10-11 में चलोगे तो केमिस्ट्री के थ्योरी जो कि आपको कोचिंग में पढ़ाया जाएगा उसका स्टडी कर लीजिए, उसके बाद देखो 11-12 में फिजिक्स का स्टडी कीजिए थ्योरी का, उसके बाद रिलेटेड चैप्टर जो फिजिक्स का है उसका न्यूमेरिकल भी बनाइए 1 hour के लिए 12-1 PM तक, ओके। उसके बाद 1-2 में क्या करना है, लंच कर लेना, हाफ आवर स्लीप करना, हाफ आवर से ज़्यादा स्लीप करोगे तो तुम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी लगाओगे, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद 2-3 तक में बायोलॉजी का स्टडी कर लो, जो मतलब कि कोचिंग में पढ़ाया गया है या तो आगे पढ़ाई होने वाला है, लेकिन 3 से लेकर करके, क्योंकि 3:30 से आपका क्लास होगा या 3 से स्टार्ट होगा तो करीब करीब 8 तक तो क्लास ही चला जाता है और 8:30 तक घर ही पहुँचोगे, तो उसके बाद 9 तक मैंने छोड़ दिया, 30 minutes यहाँ भी इंजॉय करने का आपको समय मिल गया है। उसके बाद देखो 9-10 में न्यूमेरिकल बनाना है फिजिक्स का या तो स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस का, ठीक है। फिर 10-11 में डिनर कर लीजिए और जितना बताया उसको रिकॉल कीजिए, उसके बाद सोइए। हाँ, यदि चाहते हो तुम में स्टेमिना है तो 1-2 hours और बढ़ा सकते हो यहाँ पे, वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग काम करना है। आप लोग के लिए भी बात मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक पढ़िए तो कम से कम 3 times रिविजन कीजिए, रिविजन करने का जो साइंटिफिक टेक्निक होता है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 3 times होता है। जब कोई टीचर ने आपको कुछ भी पढ़ाया तो फर्स्ट टाइम आपने उसको 48 hours के बाद रिविजन कर लेना, लेकिन उसी टॉपिक को फर्दर 10-15 days के बाद रिविजन कर लेना है, ओके। उसके बाद फर्दर उसको 30 days के बाद, 30 days के बाद, 1 month के बाद रिविजन करना है, ठीक है। और उसके बाद यदि और रिविजन करना चाहते हो तो जब भी मौका मिल जाए आपको 15 days के बाद, 30 days के बाद रिविजन करते जाइए, फिर देखिए टॉपिक आपके मुट्ठी में होता चला जाएगा और नीट भी आपके मुट्ठी में चला आएगा, आपको उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि बेहतर रूप से समझे होगे बच्चे, है ना, इसको अमल करोगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी सफलता के लिए बहुत ही मददगार होगा, थैंक यू। और लेकिन लास्ट में एक बात जो हर एक बार बोलता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पीके बायो वाला, है ना, उसको लाइक सब्सक्राइब बेल बटन जरूर दबा करके काम करते रहिए जिससे कि नया नया मैसेज आपको मिलता रहे, थैंक यू।